अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग्स में आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर चीज़ों से अमेजिंग स्नैक। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी ये है लेफ्ट ओवर रोटी, क्योंकि लेफ्ट ओवर चीज़ों से ही हमने स्नैक बनाना है तो लेफ्ट ओवर चीज़ें ही लेनी है। तो ये लेफ्ट ओवर रोटी है, इसको रखा और इस पर केचप लगाया है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया लेकिन इसमें केचप लगा दिया था। उसके बाद जो आलू की स्टफिंग है आपके पास, भुरता रखा हुआ बचा हुआ, या फिर रात का कोई भी सालन हो, कीमा या फिर दाल है, अगर दाल पानी वाली है तो उसको थोड़ा सा भून ले, फ्राई कर ले, उसको सुखा ले, तो उसकी स्टफिंग आप इस पर लगाएं और इसके ऊपर दोबारा लेफ्ट ओवर रोटी आप रख दें और इसको इस तरह से कट कर लें। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं, नाइफ से यानी छुरी से और कटर से, बस इसी तरह से हमने इसको स्ट्रिप कट कर लेनी है इसकी। और जब तक हदीस देख लेते हैं। जी तो ये कटिंग तो हो गई है हमारी कंप्लीट। तो सिंपली अब हमने लेनी है वुडन स्क्वायर और उसमें इसको इंसर्ट करना है। एहतियात से कीजिए, क्योंकि बासी रोटी है तो टूट भी सकती है, लेकिन मसला नहीं है, आप चेक कर लें इस तरह से, ध्यान से देखें और जिग जैग बस आपने करते जाना और बस इंसर्ट करते जाना है। और आप अपनी मर्ज़ी की फिलिंग कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये देखिए, बस एहतियात से कीजिएगा। आपको पूरा दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो बिगनर्स हैं उनको आइडिया हो जाए, बाकी जिनको समझ में आ गया है वो वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा रेडी हो गया है, इसको सेट करना है और इसी तरह से बाकी जितने भी हैं उन सबको इसी तरह से हमने तैयार करना है और सेट कर लेना है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा गैप दें ताकि शेप जो है वो अच्छी लगे, दिखने में अच्छे लगे। तो ये सेट हो चुका है, इसी तरह से सारे बना के एक साइड पे रखना है। उसके बाद हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे, जैसे हम समोसे की पट्टी को पैक करने के लिए स्लरी तैयार करते हैं ना, बस इसी तरह से। बस इसमें कुछ मसाले डाल देंगे, जैसे चिकन पाउडर, नमक और ये चाट मसाला है और ये साथ में मैदा है इसमें। तो पानी डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। बस ये हमारी स्लरी जो है ये रेडी है। आपको ज़रूरत हो तो आप और इसमें आटा या कॉर्नफ्लोर आप डाल सकते हैं। ये देखिए स्लरी बिल्कुल तैयार है, कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। बस इसी तरह से हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और ना ही ज़्यादा पतला करना है। तो अब हमने जो हमारी रोटियां, बासी रोटी के जो स्क्वायर तैयार किए थे वो इसमें अच्छे से कोट कर लेने हैं, आप देख लें। और जो इसके इनर वाली साइड है, अंदर की साइड है, इसको आप स्पून की मदद से इसको भी अच्छे से इस पर स्प्रेड कर लीजिएगा इस स्लरी को, ताकि फ्लेवर अच्छा है। क्योंकि हमने इसमें इस स्लरी में हमने चिकन पाउडर और चाट मसाला भी शामिल किया है, तो इसमें भी फ्लेवर है इस स्लरी में। तो बस इसी तरह सबको रेडी करना है और ऑयल गरम करने के लिए रख देते हैं। हल्का सा गरम हो तो इस पे हमने एहतियात से स्क्वायर सारी डाल देनी है, ये देखिए एहतियात से इसी तरह बस सारी रख देंगे। और कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें लिखा हुआ था कि आप अपनी रेसिपीज़ जो हैं वो खा के भी दिखाया करें। तो ये अब से कोशिश ये रहेगी कि रेसिपीज़ में एंड में जो है बाइट लेके भी आपको दिखाया जाए, तो इस रेसिपी में भी एंड में आपको वो सीन नज़र आ जाएगा। तो वीडियो फुल देखिएगा और देखिए इस तरह से हमने साइड बदलते बदलते इनको फ्राई कर लेना है चारों साइड से, ठीक है। और ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, कहीं पता चले कि जल ही जाए आपकी जो ये रोटियां हैं। तो बस मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। आपको जिस तरह से इजी हो आप वैसे इसको टर्न कर सकते हैं, भले स्पून से कर लें, दो चम्मच से मिलके कर लें, या फिर इस तरह से कर लें, जैसे आपको इजी हो उस तरह से आप इसको टर्न करते करते फ्राई कर लीजिएगा। चलते हैं हमारे फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
और मिलते हैं किसी और रेसिपी में। जब तक के लिए अभी अल्लाह हाफिज़, नहीं क्योंकि आपको बाइट लेके भी तो दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए एंड तक आप ज़रूर वीडियो देखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाइट देख के जाइएगा।